हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारत दर्शन व्लॉग। अभी हम हरिद्वार में हैं और राष्ट्र को समर्पित भारत माता मंदिर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये पूरे 7 मंजिल है और हर मंजिल पर हम जाएंगे और क्या क्या अलग अलग थीम हैं हर फ्लोर के, वो आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे। पहले हम मंदिर की यात्रा शुरू करें, उसके पहले थोड़ा हम जो इसके इतिहास के बारे में वो आपको बता देते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भव्य विशाल मंदिर है, 7 मंजिल तक भारत माता मंदिर। उत्तराखंड के धार्मिक नगरी हरिद्वार में गंगा किनारे सप्त सरोवर स्थान पर बना भारत माता मंदिर 7 मंजिला इमारत के रूप में एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1983 में स्वामी नित्यानंद गिरी महाराज जी ने करवाया था। और दोस्तों, इस मंदिर का उद्घाटन देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कर कमलों द्वारा किया गया। भारत माता मंदिर को मदर इंडिया टेम्पल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब भारत माता मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। इस मंदिर में बुजुर्गों के लिए खास ध्यान रखा गया है। वे मंदिर के अलग अलग फ्लोर्स की यात्रा लिफ्ट के जरिए कर सकते हैं और वे भी मात्र 2 रुपये में। सामने आप देख रहे होंगे भारत का नक्शा, जो पूरी तरह से रेत का बना हुआ है। और इसके बाद आप देखेंगे भारत माता की भव्य मूर्ति। ये आप सामने देख रहे हैं चित्र प्रदर्शनी, जिन्होंने मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए अब पहली मंजिल पर चलते हैं, सूर्य मंदिर। देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और देश की सुरक्षा के लिए अपना जान तक दे दिया, उनके लिए समर्पित है भारत माता मंदिर का पहला मंजिल। भारत में आम तौर पर जो मंदिर बने हैं वे भिन्न भिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं, लेकिन भारत माता का यह मंदिर उन संत महात्माओं, विदुषी स्त्रियों एवं सूरवीरों को समर्पित हैं जिन्होंने देश के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में अमूल्य योगदान दिया है। भारत माता मंदिर का दूसरा मंजिल मातृ मंदिर, जो भारत के विदुषी महिलाओं को समर्पित हैं जिन्होंने देश के उत्थान के लिए सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर अपना अमूल्य योगदान दिया है और जो हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। आप सामने देख रहे हैं मीराबाई को कृष्ण भक्ति की महान प्रतिमूर्ति और सती सावित्री, जो महिलाओं के लिए आज भी प्रेरणा के स्रोत बनी हुई हैं, और ब्रह्मवादिनी गार्गी, जिनकी वेद की रचना में अमूल्य योगदान है। दोस्तों, हमारे देश में अनेकानेक सती हुई हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और सत्य की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया और आज भी गांवों और नगरों में पूजी जाती हैं। परंतु आज हमारे देश को, हमारे समाज को क्या हो गया, कोई भी सती सावित्री की, सती अनुसुईया की, मदालसा की या मीरा की बात नहीं करता। आज की लड़कियां एक अलग प्रवृत्ति के साथ, एक अलग संस्कार के साथ आगे बढ़ती हैं, जिनमें सत्य और धर्म के लिए कोई जगह नहीं बचता। तो ऐसे हमारे देश का, हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा? आपको अपनी सोच बदलनी होगी, सती सावित्री से प्रेरणा लेनी होगी, सती मदालसा से, मीराबाई से प्रेरणा लेनी होगी, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना होगा, तभी पुरुषों के मन में आपकी माँ भगवती की, माँ दुर्गा की छवि बनेगी। जय माता दी। भारत माता मंदिर का तीसरा मंजिल
भारत के महान संतों को समर्पित है। तो चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और संतों का दर्शन करते हैं। हमारा देश भारत हमेशा से पुण्य भूमि रही है। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में पूरे विश्व को आईना दिखाया है, मार्गदर्शन किया है। इसलिए हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता है। जब जब धरती पर पाप और अनाचार बढ़ा है, सत्य और धर्म का ह्रास हुआ है, तब तब इस पुण्य भूमि पर संतों, महापुरुषों और भगवान का अवतरण हुआ है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शंकर, नानक, कबीर, रैदास, दादू, मीरा, विवेकानंदा, योगानंदा, रमन महर्षि आदि अनेकानेक संत हमारे देश में हुए हैं, जिन्होंने धर्म और मानवता के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि सभी संतों का आज हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं। भारत माता मंदिर की चौथी मंजिल दुनिया भर के विभिन्न धर्मों और संप्रदायों को समर्पित है। इस धरती पर भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर विभिन्न धर्म, संप्रदाय और पूजा पद्धतियां हैं, परंतु आश्चर्य की बात, उनके बीच में कभी भी द्वेष की भावना नहीं, प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं। और सामने आप देख सकते हैं बाइबल का संदेश, वेद का संदेश। भारत माता मंदिर का पांचवा मंजिल माँ भगवती, माँ दुर्गा को समर्पित है और आज आप शक्ति के विभिन्न रूपों का दर्शन करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ हमें दिव्य चक्षु प्रदान करें, हमें ज्ञान दें कि माँ के सर्वांग रूप को हम देख पाएं और हमारे मन की सारी बुराइयाँ, मन के सारे विकार दूर हो जाएं और हम जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाएं। जय माता दी। भारत माता मंदिर की छठी मंजिल विश्व के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु जो माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान हैं और जिनके चेहरे पर अनंत शांति और कांति है। भारत माता मंदिर की सातवीं और अंतिम मंजिल विश्व के तारणहार भगवान शिव को समर्पित है, जो हमारे त्रिविध पापों का नाश करते हैं। बी ऑल हैप्पी, सबका मंगल हो।